हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम लाइव स्ट्रीम सेशन। स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग आर्या। जल्दी से सब कोई जुड़ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू टेस्ट को। गुड इवनिंग तनु, स्वागत है सभी का। हेलो हेलो सबको, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाओ, बस थोड़ी देर वेट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, मैं एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हो जल्दी से बताओ। 60 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ अभी लाइव, और वेट कर लेते हैं बस थोड़ी देर और। आज देखो इंट्रोडक्शन है, तो आज कुछ ही क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे साथ में, अराउंड 25 क्वेश्चंस, और कल से 40, 30, 50 क्वेश्चंस ऐसे डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3, 4, 1। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे इसके, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। अराउंड अराउंड 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ ऐड कर ले रहा हूँ। YouTube पे लाइव नहीं आने का रीज़न था और तुम ही लोगों ने सजेस्ट किया है टीचमेंट, और देख लेते हैं अगर आज के क्लास से तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हो, टीचमेंट पे दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग स्ट्रीम करेंगे फिर से YouTube पे। ठीक है, वैसे YouTube पे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन होता है। ये तुम्हें पीडीएफ पीडीएफ वगैरह नहीं मिलने वाला, पीडीएफ के पीछे क्यों भागते हो इतना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तुम्हें पोल देने वाला हूँ क्वेश्चन, जैसे तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ से जो स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस 4 ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, अब तुम्हें इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो मैं पोल देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड वैदिक वर्ड कुसिदिन रिफर्स टू। पोल दे रहा हूँ 20 सेकेंड का अराउंड, इसका आंसर तुम्हें देना होगा। चलो 30 सेकेंड का मैंने तुम्हें पोल दे दिया, फटाफट इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। चलो बस 5 सेकेंड और बाकी है, एंड करते हैं पोल को। तो अराउंड 42 स्टूडेंट्स आंसर दिया है, बहुत कम लोगों ने राइट आंसर दिया है जो कि है ऑप्शन बी,
समृद्धि 2.5 सेकेंड। समृद्धि का राइट आंसर है SS, जो भी है उनका राइट आंसर है कुमकुम, ओम सिंह चौहान, सुरेश और अंशिका। बस 6 लोगों ने राइट आंसर किया है, टोटल 42 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिया था। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। स्कोर्स देख लिए तुमने? अच्छा, कैसे थे समझ नहीं आया? ऑप्शंस नीचे आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है तुम्हें, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक दोबारा, ऐसे ही मैं तुम्हें ट्राई करके, 1 मिनट जस्ट वेट करो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। बस वेट कर लो तुम यहाँ पे। हाँ बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के लिए दोबारा से पोल क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, और चलो सेकंड का मैं क्रिएट करता हूँ। अब जैसे देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास, ABCD। मैं मिरर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। अभी क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे में 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? अगर ऑप्शन ए राइट आंसर है तो ए पे क्लिक कर दो, बी राइट ऑप्शन है तो बी पे कर दो, या फिर सी है या फिर डी। तो इनमें से किसी भी राइट आंसर पे तुम्हें क्लिक करना है। तो जैसे मुझे लग रहा है बी राइट आंसर है, तो बी पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑप्शन बी इज सबमिटेड एज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो यहाँ पे बोला गया है दी वैदिक वर्ड कुसेदिन रिफर्स टू। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कुसेदिन होता क्या है सर। तो कुसेदिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक डेजिग्नेशन है, कुसेदिन वर्ड एक डेजिग्नेशन है जो कि हिंदुइज्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया ये डेजिग्नेशन किन के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी एन यूजर। अब इसका ये मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो कि मनी लेंड कर रहा हो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यूजर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मनी लेंड करता है, लेंड्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके बदले वो चार्ज करता है, जो कि कहीं ना कहीं इलीगल होता है। ठीक है, हाँ कह सकते हो लैंडलॉर्ड, लेकिन ये लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा अलग है। पुराने जमाने में इसे इस्तेमाल किया जाता था, ये टर्म यूज किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, और मैं फिर तुम्हें पूछ देने वाला हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पूछा गया है इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड। मैं पोल दे रहा हूं, अच्छा ठीक है कुमकुम, हम लोग कल से अभी लास्ट सेशन में डिस्कस, लास्ट के 5 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यूट्यूब पे लेना चाहिए क्लास या फिर टीचमेंट पे ही कंटिन्यू रखे। बस आज की क्लास तुम यहाँ पे अटेंड कर लो। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का पोल दे दो, कोशिश करो चाहे गलत हो या फिर सही हो, लेकिन एक बार ट्राई लेके देखो क्या होगा। हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो, 43 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। सबसे फास्ट आंसर आया है रिया का 2.3 सेकेंड में। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्टैब्लिश किया गया था। और अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर उस टाइम पे कहाँ पे था? कैलकाटा में। और उस टाइम पे ये यूरोपियन मैनेजमेंट के अंदर था। ऑप्शंस तनु नीचे में शो होता है। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे ये बेनिफिट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि पोल हो जाए। अब जैसे देखो यहाँ पे रेज हैंड का फीचर आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, हो सकता है उन्हें डाउट हो। जैसे शिवम कुमार, क्या है शिवम कुमार का, विकी, ऋतिका, सुधांशु, ये सब। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा फीचर है यहाँ पे। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का सबसे पहला बैंक था जिसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर
1770। यार ऑप्शंस तो शो हो रहे हैं तभी तो स्टूडेंट पोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हाट वर द करंट लोकेशंस ऑफ अ थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में तुमने सुना होगा, तो उनमें से यहां पे तुम्हें ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, टोटल चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट लोकेशन है? कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आंसर दे दो जल्दी से। कुछ लोग तो चैट में ही आंसर दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। बस आज भर ट्राई कर लो टीचमेंट को, अगर नहीं पसंद आता, सेटिस्फाई नहीं होते हो तो कल से यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 70 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, चलो एंड करता हूँ पोल को। तो 62 स्टूडेंट्स का राइट आंसर है, 8 स्टूडेंट का रॉन्ग आंसर, सबसे फास्ट आर्यन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सीक्वेंस करेक्ट क्या है यहाँ पे? कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे। ये अब इन तीनों के डेट्स अगर तुम्हें मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं अगर मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। कैलकटा का डेट 1690, मद्रास का है 1640 और बॉम्बे का है 1687। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फोर है यहाँ पे। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर फोर। चार ऑप्शंस है, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पटियाला बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है हमारे भारत का? टोटल 101 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर।64 स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया, 33 स्टूडेंट का राइट आंसर है और बाकी सारे स्टूडेंट का आंसर गलत हुआ। सबसे फास्ट एसके गुप्ता 2.4 सेकंड में। तो सबसे ओल्डेस्ट बैंक इलाहाबाद बैंक है। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करूं, इलाहाबाद बैंक को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1863, ठीक है? 1863 में इलाहाबाद बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव यहां पे पूछा गया है, एट विच प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। अभी मैंने तुम्हारे साथ ऊपर में डिस्कस करा कि तीन प्रेसिडेंसी बैंक होते हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में यहां पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से प्लेस पे सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश करा था। इसमें तो सारे का राइट आंसर आना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट हमने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है मद्रास। मद्रास में स्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1840। अभी जस्ट मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। आस्था का राइट आंसर है, बस 12 लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी के सारे स्टूडेंट्स के गलत आंसर आए हैं। अभी जस्ट ऊपर मैंने डेट्स लिखे थे, याद नहीं है? ये रहा, हाँ ये तीन बैंक्स थे। कैलकाटा को स्टेब्लिश किया गया था, कैलकाटा वाले बैंक जो थे 1690, और मद्रास 1640 और बॉम्बे 1687, ठीक है? ऑप्शंस कैसे नहीं दिख रहे यार? ठीक है, चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जिसे नहीं दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे पूछा गया, दी रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वॉज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जल्दी से बताओ। पोल थोड़ा सा डिले लॉन्च होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
अब मैं कम टाइम दूंगा, अब हर पोल में कोशिश करूंगा बस 20 सेकंड तुम्हें टाइम दू, 30 सेकंड का पोल रहता है लेकिन मैं 20 सेकंड बीच में ही स्टॉप कर दूंगा। इस क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम ले लो। सिक्सटी फोर स्टूडेंट चैट्स में भी आंसर आए हैं। चलो सब 57 स्टूडेंट्स का राइट आंसर है, सबसे फास्ट आसिर अली। तो इसका राइट आंसर है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात करता हूँ। ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वेयर लोकेटेड, ध्यान से इसका आंसर देना, वर्ड पे फोकस करना। ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वेयर लोकेटेड एट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर स्टार्ट करो बताना। कंफ्यूज मत करना ओरिजिनल वर्ड देखकर। चलो मैं स्टॉप कर रहा हूं, 20 सेकंड का पोल दूंगा। तो सबसे फास्ट राजन, 29 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, बाकी सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है, मतलब 77 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा कैलकटा। अब देखो बता दे रहा हूं ये कब की बात है, 1937 के बाद। प्रेजेंट में कहां है सर, मुंबई में। ठीक है, प्रेजेंट में मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसका मैं पोल क्रिएट नहीं करूंगा, कोशिश करो तुम लोग यही आंसर दे दो। ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर डेट पे आरबीआई ने अपने वर्किंग को स्टार्ट करा था। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा कि 1 अप्रैल 1935। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। अब ये भी, इसका भी पोल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान से देखना और आंसर बताना। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डन, नेशनलाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, आरबीआई को नेशनलाइज किस पर्टिकुलर ईयर में किया गया था, 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर, सी 1949। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसका मैं क्रिएट करूंगा पोल। क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनिशियल स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टेज पे आरबीआई का इनिशियल कैपिटल कितना था। तो इसका राइट आंसर बताना स्टार्ट कर दो। चलो बताओ, इनिशियल कैपिटल स्टार्टिंग स्टेज में जब आरबीआई को इनकॉर्पोरेट एस्टेब्लिश किया गया था। तो 48 स्टूडेंट का राइट आंसर आया, सबसे फास्ट शिवम। तो इसका राइट आंसर होगा ₹5 करोड़, स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे 5 करोड़ इसका इनिशियल कैपिटल था। चलो दो ही यहाँ पे 11th में दो ही ऑप्शन है, नीचे और भी ऑप्शन है, मुझे दूसरे पेज में जाना होगा। तो यहाँ पूछा गया विच ऑफ दिस बैंक वॉज नेशनलाइज इन 1969, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इन दोनों में से कोई एक सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो 1969 का तुम्हें नेशनलाइजेशन याद होगा, याद है कि नहीं, 1969 वाला नेशनलाइजेशन, और मैं तुम्हें डेट भी बता ही दूंगा अभी। सॉरी यार, पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएंगे इसके। 1969 कब हुआ था ये पर्टिकुलर डेट, डेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जुलाई 16, 1969। तब तक तुम लोग पोल में आंसर दो। और इस कितने बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, 14 बैंक्स इस टाइम पे नेशनलाइज किए गए थे। राइट आंसर सबसे फास्ट है आयुष, राइट आंसर। तो यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो था, ठीक है, वो उनमें से एक बैंक था।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। डेट्स याद रखना जो भी मैंने तुम्हें अभी एक्स्ट्रा में बताया। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। विच नेशनलाइज्ड बैंक वॉज मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक इन द ईयर 1993। यहाँ पे कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बैंक 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर गया था। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो 11 स्टूडेंट ने बस राइट आंसर दिया है। आंचल का सबसे फास्ट है 8.7 सेकेंड्स। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेन बैंकिंग नेशनलाइजेशन वॉज डन इन द ईयर 1969। बेसिक क्वेश्चन है ये, तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा मेरे साथ। 1969 वाला जब नेशनलाइजेशन हुआ था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ट्वेंटी एट स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया। पीसी 2.6 सेकेंड, प्रगति 2.9 सेकेंड। तो एक मिनट, कुछ एरर है इसमें। हाँ एरर था इस क्वेश्चन में, पोल में एरर था। बी जिन लोगों ने आंसर दिया है, जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ए वाले गलत है, मैंने पोल में यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है। तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? फटाफट चैट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मालूम ही होगा। 1955 डिस्कस करने ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट डेट बता सकते हो एसबीआई का? एस्टेब्लिशमेंट डेट बता सकते हो तो बताओ। 35, 35, कुमकुम का कहना है 35, 1930, अमृत 1921 कैसे होगा यार? चंदा, राज, गौरव, अमृत 21, आर्या 1935। तो एस्टेब्लिशमेंट डेट 1935, हाँ 8 अप्रैल 1935, और नेशनलाइजेशन 1955 को हुआ था। क्वेश्चन और 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है तुमसे विच ऑफ दीज बैंक वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1989। तो पोल आ गया है, आंसर दे दो जाके। आज आज बेसिक क्लास है, जो स्टार्टिंग है, तो आज मैं तुम्हारे साथ 25 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। अब देखो ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये तुम्हारे 25 डेज रिवीजन सीरीज का पार्ट है। तो आज है हमारा डे 17 और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पोल में तुम लोग आज फटाफट आंसर दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है आईयूसी का राइट आंसर है सबसे फास्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ पटना अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एटीएम कार्ड्स आर इश्यूड टू अ पर्सन हु मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद द बैंक, सेविंग, करेंट, टर्म डिपॉजिट या फिर डी ऑप्शन होगा, आइदर ए और आइदर बी। बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए ये तुम्हें, इसका राइट आंसर क्या है। पूछ दो फटाफट। बेसिक क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड कौन से होल्डर्स को, कौन से व्यक्ति को इश्यू किया जाता है, मतलब कौन कौन सा अकाउंट होना कंपल्सन है? तो चलो जिनके पास सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट है और जिनके पास करंट बैंक अकाउंट भी है, तो दोनों में से किसी को भी एटीएम कार्ड मिल सकता है। ऐसा कुछ इसमें तो और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना। बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड्स आर जनरली इश्यूड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड के बारे में जानते हो? इसके बारे में बताना, मैं पोल क्रिएट कर दे रहा हूं। बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड्स, बताओ फटाफट इसका आंसर। ये सेल्फ सर्विस कैश मशीन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। बायोमेट्रिक, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑप्शन ए एंड टू। निशा का सबसे फास्ट आंसर आया, फिर उसके बाद आयुष का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा, इलिटरेट्स भी इशू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सिक एंड ओल्ड पर्सन भी को इशू किया जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन बीएचयू बीकॉम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना, किधर गया? हाँ एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। पहला कौन सा बैंक था जिसने एटीएम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, भारत में? गलत मत करना इस क्वेश्चन को। सिक्सटी फाइव स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर दिया है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आया। 23 स्टूडेंट का राइट आंसर आया है। दीक्षा का सबसे फास्ट है, फिर पीसी सेकंड है यहाँ पे, यश थर्ड, तनु फोर्थ। तो ऊपर में देखो जो तीन होते हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दे दिया जाता है, मेडल दे दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, बहुत पुराने 2017-16 में ये सारे क्वेश्चंस बनते थे, अभी बहुत कम चांस रहता है कि इसका क्वेश्चन बने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीएम इज ऑल्सो नोन एज बैंक ओन्ड एटीएम। ध्यान से वर्ड पे फोकस करना, बैंक ओन्ड एटीएम की यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं पोल दे दे रहा हूं। सर आई एम गिविंग आंसर इन 2 सेकेंड्स, बट पोल में 10 सेकेंड आ रहा है। अच्छा हो सकता है कोई ग्लिच हो, सॉरी। तनु, HSBC का फुल फॉर्म सबसे पहले बताना, और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इंडियन। तो सबसे फास्ट जावेद, सेकंड आदित्य और थर्ड अमन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा व्हाइट, किधर गया, व्हाइट लेबल्ड एटीएम। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच इंडियन कमर्शियल बैंक बिकम द फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग मोबाइल एटीएम सर्विस। अच्छा एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। एटीएम सर्विसेज है यहाँ पे और वहां पे बैंक किधर गया, इंट्रोड्यूस एटीएम। इन दो क्वेश्चन को तुम एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दो क्वेश्चन तुम चेक कर लेना एक बार। हाँ मोबाइल एटीएम में आईसीआईसीआई होगा, और किधर गया, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, ये इसका एचएसबीसी होगा जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड सिंघाई बैंक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, तो यहाँ पे एचएसबीसी होगा। ठीक है, एचएसबीसी होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन जानबूझ के सिमिलर लिया और मैं ही कंफ्यूज कर गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, विच इंडियन कमर्शियल बैंक, यहाँ पे वर्ड देखना, इंडियन कमर्शियल बैंक बिकम द फर्स्ट प्रोवाइडर। हाँ तो सॉरी उसके लिए पोल में एरर हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो कंफ्यूज मत करना क्वेश्चन नंबर 8, तुम इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है अब चलो क्वेश्चन नंबर 20। हाँ हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग, हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हाउ मच शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। चैट में ही इसका आंसर देना।
हाउ मच शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक? बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। बी बी, मोर 50%। तो इसका राइट आंसर बेसिक है, 50% ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली? कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है प्रेजेंट में हमारे भारत में? तो तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं, 18, 19, 22, 21। तो इसका भी तुम चैट में ही आंसर दे दो, 18, 19 और 22, 21। और मैं सजेस्ट करूंगा तुम एक बार इसे चेक कर लेना कि करंट में कितने हैं, हो सकता है ये पुराने क्वेश्चंस और पुराने एमसीक्यूज हो, तो एक बार तुम इसे चेकआउट कर। तो 22, 12, सब कोई अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तुम लोग एक बार चेक करोगे गूगल पे। मेरे आंसर की अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 18 होना चाहिए, लेकिन तुम लोग एक बार जरूर से जरूर इसका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई लोकेटेड इन इंडिया? बेसिक क्वेश्चन, एसबीआई का हेडक्वार्टर बताओ, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, किधर बताओ? मुंबई, मुंबई तो बेसिक है इसका, एसबीआई का हेडक्वार्टर तो सभी को पता रहता है कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे। वेयर वॉज द कैनरा बैंक फर्स्ट सेटअप इन द ईयर 1906? पार्टीशन के पहले की बात की जा रही है, पार्टीशन से पहले। तो ठीक है, वैसे पार्टीशन वाला चीज तो मैटर करेगा यहाँ पे, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया मैंगलोर, मैंगलोर। मैंने पार्टीशन बोला तो तुम लोगों ने लाहौर आंसर दे दिया, मैंने कंफ्यूज किया और तुम लोग हो भी गए कंफ्यूज। कैनरा बैंक की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर होगा मैंगलुरु, मैंगलुरु। ठीक है, ऐसे तुम्हें कोई भी कंफ्यूज कर देगा और तब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये गलती मत करना। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वॉज द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, बताओ पोल में फटाफट आंसर इसका। अब इसका सही आंसर देना, ठीक है? ओरिएंटल बैंक के बारे में अगर थोड़ा भी तुमने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर दोगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टेब्लिश इन इंडिया। अब इंडिया देख के कुछ लोग बोलेंगे लाहौर तो होगा नहीं, कराची तो होगा नहीं, ठीक है, होगा तो अमृतसर, नहीं तो देहरादून में से कोई। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 21 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया, यस सबसे फर्स्ट, आयुष सेकंड, एस के गुप्ता थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन से पहले की बात की गई है। अब कुछ फैक्ट्स मैं तुम्हें बता दूं अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, जिससे ये लगता है कि तुम्हारे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर किस्मत रहा तो पूछ देगा, अच्छा तुम लोगों का किस्मत रहा, नहीं तो नहीं पूछेगा। देखो करंट रेट्स क्या है आरबीआई के अकॉर्डिंग, अभी एसएलआर है 18.00%, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, एमएसएफ रेट है 4.25 और सीआरआर है 4.00% और बैंक रेट है 4.2%। एमएसएफ के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल, मार्जिनल एक बार चेक कर लेना क्या था इसका, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मार्जिनल एस का मैं भूल भूल रहा हूँ, फैसिलिटी आता है मार्जिनल, कुछ ऐसा ही फैसिलिटी है, देख लेना एक बार। एमएसएफ का हाँ स्टैंडिंग है आई थिंक, हाँ स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग सॉरी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये रेट से एक बार तुम लोग लर्न करके रखना। तो आज हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या, मैंने तुम लोगों के साथ 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो,
यूट्यूब पे करना चाहते हो या फिर कहाँ टीचमेंट पे, बताओ बताओ। अच्छा, रुक जाओ, पोल कर दे रहा हूँ, पोल कर दे रहा हूँ, ऐसे में मुझे नहीं पता चलने वाला है। पोल कर दूंगा मैं, एक मिनट एक मिनट। मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, स्टडी हेडिंग से, और पोल का ऑप्शन यूट्यूब या फिर टीचमेंट। लॉन्च पोल। अच्छा, टाइम भी सेलेक्ट करना होगा। चलो मैं कुछ भी टाइम दे दे रहा हूँ यहाँ पर। कहीं भी चलेगा। टीचमेंट के मुझे एक दिक्कत ये लगती है कि यहाँ पे लैग थोड़ा सा फील होता है, लेकिन फीचर्स वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे। तो 54 स्टूडेंट्स ने, इसे मत देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला तो रिजल्ट दे दे रहा है, यहाँ पे देखो इस साइड कॉर्नर में 54 स्टूडेंट्स ने कहा है बी, जो कि था टीचमेंट, और 19 स्टूडेंट्स ने कहा है यूट्यूब। तो अब टीचमेंट ही किया जाए। हाँ, ऐप अपडेट कर लो तो ही तुम्हें पोल का फीचर मिलेगा। हाँ, लैग होता है, ये तो दिक्कत मैंने भी फेस करा है, लैग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टाइम कंज्यूमिंग अराउंड ज्यादा तो नहीं लगा, 36 मिनट में तुमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे। हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। बीएचयू एग्जाम के टाइमिंग यार, एडमिट कार्ड आने दो तो क्या, फटाफट बताओ यूट्यूब। अब तुम लोगों ने मैक्सिमम सजेस्ट किया है, 54 लोगों ने। हाँ, डेटा तो कम खर्चा होता है। हाँ, बिल्कुल, मैं रोज लूंगा, रोज रोज। तो कुमकुम तुम ही बताओ, अब यहाँ पे देखो टेस्ट टाइप का एक फीचर मिल जा रहा है कि तुम खुद से ऑप्शन चूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अब तुम जा सकते हो, जिन्हें जाना है जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो गए। यहाँ पे एक पोलिंग फंक्शन की वजह से ही मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, इसी टाइम पे कल फिर से मिलेंगे। सब्जेक्ट्स मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूंगा, साथ ही साथ टीचमेंट के नोटिस बोर्ड पे भी दे दूंगा। ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा कि अराउंड 50-100 क्वेश्चन ही लूँ। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स कर वाले भी ले लूंगा क्वेश्चंस। रितिका, कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, मैं वो तुम्हें कल आज रात तक, नहीं तो कल सुबह अपडेट दे दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा मैं, लेकिन यही दिक्कत है ना, लैग यहाँ पे आ रहा है। चलो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। ठीक है, फिर कल डिस्कस करेंगे। हाँ, डेली डेली 25 डेज तक तो यार डेली कंटिन्यू होगी ही, ये गारंटी है, क्योंकि अभी रिवीजन सीरीज का 17 डे है, कल 18 डे होगा, तो 25 डेज तक ये चीजें तो जरूर चलेंगी। उसके बाद भी हम लोग लेंगे तुम्हारे साथ क्लास। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।